अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रतिनिधि सभा में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने चीन से भारत की सुरक्षा को खतरा बताते हुए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी NDAA में संशोधन की मांग की थी, जिसे प्रतिनिधि सभा में मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन के तहत रो खन्ना ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट यानी कि CAATSA के तहत भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है CAATSA कानून। CAATSA कानून के तहत अमेरिका ने ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। ये कानून अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों को इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार करने से रोकता है। इसे 27 जुलाई 2017 को पारित किया गया था। भारत ने रूस से S-400 समेत कई रक्षा सौदे किए हैं, जिसकी वजह से CAATSA के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। रो खन्ना ने भारत और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे अब हरी झंडी दे दी गई है। प्रतिनिधि सभा में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। आपको बता दें, रो खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं। हालांकि मंजूरी के बाद अभी ये कानून का हिस्सा नहीं बन पाया है। कानून बनने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। रो खन्ना ने संशोधन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, चीन की ओर से बढ़ रही आक्रामकता के मद्देनजर अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। इंडिया कॉकस का वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं हमारे दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत चीन सीमा पर भारत खुद की रक्षा कर सके। अब इस प्रस्ताव में संशोधन के बाद रूस को इस मोर्चे पर राहत मिल जाएगी। भारत बिना किसी चिंता के रूस के साथ कारोबार कर पाएगा। NDAA दरअसल अमेरिका की रक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को परिभाषित करता है। इसके तहत देश की रक्षा करने वाली एजेंसियां विशेष रूप से रक्षा विभाग की फंडिंग निर्धारित होती है। इस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे और कहां किया जाए, इसके लिए भी विस्तृत नीतियों का खाका तैयार किया जाता है। जून में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने दोनों दलों के समर्थन के साथ इस एक्ट को मंजूरी दी थी। अगर NDAA 2023 में पारित हो जाता है तो इससे अमेरिका की रक्षा के लिए 800 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि उपलब्ध होगी। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक। कौन सी साजिश, कौन सा गुनाह, कब हुआ और कहां? पेश है अपराध का जहां।